डायरेक्टर ओम राउत ने अपनी दूसरी फिल्म का ऐलान ऑफिशियली कर दिया है। फिल्म का नाम है आदि पुरुष और इस फिल्म में अच्छाई के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं प्रभास। पर क्या आप जानते हैं कि नेगेटिव कैरेक्टर में कौन नजर आने वाला है? चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। आदि पुरुष फिल्म की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और इस फिल्म का जो टैगलाइन है, बुराई पर अच्छाई की जीत। मैं आपको बता दूं कि इस मैंने आपको बताया था कि ये जो फिल्म है ये कुछ रामायण रिलेटेड होने वाली है, जिसमें प्रभास जो है एक गुड कैरेक्टर में नजर आने वाले। तो वहीं पर नेगेटिव किरदार को लेकर बात हो रही है कि आखिरकार नेगेटिव किरदार के बारे में किसके बारे में सोचा जा रहा है। तो चलिए आपको बता देती हूँ भाई, इस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म ताना जी की, जिसमें नेगेटिव किरदार में सैफ अली खान नजर आए हैं और ओम राउत ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। आपको बता दूं कि सैफ अली खान का किरदार हर किसी ने पसंद किया था, साथ सैफ अली खान की एक्टिंग को हर किसी ने इसमें पसंद किया था और हर कोई ये बात कह रहा था कि अगर सैफ अली खान से कोई अगर अच्छे से काम करवाया जाए तो वो काम करते हैं और उनकी एक्टिंग भी काफी अच्छी है। ऐसे में ओम राउत को इस बात का क्रेडिट डाला था कि ओम राउत ने अपने हिसाब से सैफ अली खान को जिस किरदार में ढाला है उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। खैर, इस बात से खुद सहमत सैफ अली खान खुद नहीं थे और उन्हें अपने किरदार में चीजें जो थी वो उस तरीके से पसंद नहीं आई थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। ऐसे में अब ओम राउत फिर से एक बार सोच रहे हैं कि सैफ अली खान को अपनी फिल्म में लेने का। जी हाँ, आदि पुरुष में नेगेटिव किरदार के लिए मीडिया रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो सैफ अली खान का ही नाम सामने आ रहा है और ये माना जा रहा है कि सैफ अली खान ही इस फिल्म में नेगेटिव किरदार में नजर आने वाले हैं। वेल, जैसे ही अभी फिलहाल के लिए तो इस फिल्म पर नेगेटिव किरदार को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेगेटिव किरदार सैफ अली खान ही करते हुए नजर आएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं एक तरह से रावण का किरदार जो है वो सैफ अली खान करते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग को क्या लगता है कि ओम राउत की जो ये चॉइस है ताना जी को जज करते हुए क्या सही है? कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।